दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने जीमेल आईडी में एक न्यू फोल्डर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आपके जो अलग अलग कैटेगरी के यहां पे मेल आते हैं, जैसे कि सोशल मेल आते हैं, प्रमोशनल आते हैं, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के जो मेल आते हैं, इसमें अगर आप कोई न्यू कैटेगरी एड करना चाहते हैं जिससे कि आप अपने ईमेल को फिल्टर कर सकें और आपके कोई इंपॉर्टेंट मेल है तो आप उस कैटेगरी में उसको एड कर सकें, तो उसको किस तरह से करेंगे उसी का प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि चलिए मैं यहां पर आपको 3 डॉट पर ओपन करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टार्ट, स्नूज्ड, इंपॉर्टेंट, सेंट, शेड्यूल, इस तरह से आपको आउटबॉक्स, ड्राफ्ट वगैरह काफी तरह के फोल्डर देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर अगर आप कोई अपने पसंद का एक न्यू कैटेगरी, न्यू फोल्डर ऐड करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से करेंगे उसी का प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहां पर आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों कि आपके फोन में जो क्रोम ब्राउजर होता है उसको आपको ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउजर में आपको अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपने उसी जीमेल अकाउंट को यहां पर लॉगिन किया हुआ है। जीमेल अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपको 3 डॉट पर टैप करना। 3 डॉट पर टैप करने के बाद आप इसको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे टैप कर देना है, तो ये आपके डेस्कटॉप वर्जन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जीमेल अकाउंट अब डेस्कटॉप वर्जन में ओपन हो चुका है। इसका चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों कि यहां पर आपको साइड में जो ऑप्शन मिलते हैं इसमें आपको एक मोर का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली आपको मोर वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। जैसे आप मोर वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपके काफी सारे ऑप्शन और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। कैटेगरी में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, मैनेज लेबल्स का और क्रिएट न्यू लेवल्स का। तो आपको यहां पे सिंपली क्रिएट न्यू लेवल वाला जो ऑप्शन है इस पे टैप कर देना। और इस पे टैप करने के बाद यहां पर अब आपको अपने उस लेवल का नेम दे देना है, उस कैटेगरी का नेम दे देना जिस नाम से आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं जैसे कि यहां पर दे देता हूं माई पर्सनल, और इसके बाद चलिए इसको हम यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माय पर्सनल के नाम से हमारा न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। चलिए इसको यहाँ से देख लेते हैं, फिर से अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं जीमेल वाली को। चलिए जीमेल एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन करते हैं, इसको एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं और चलिए फिर से 3 डॉट पे चलते हैं। और अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ या नहीं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि माय पर्सनल के नाम से एक न्यू कैटेगरी हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब आपको इसमें अगर किसी मेल को सेव करना है, किसी मेल को इसमें मूव करना है तो किस तरह से करेंगे, तो जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई मेल मैं देख लेता हूँ, जैसे कि चलिए इसी मेल को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूट्यूब क्रिएटर वाले को, इसको चलिए मैं यहाँ से ओपन करूंगा। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है इस पे टैप करना है, और इस पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मूव टू का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली आपको मूव टू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप कर देना है और इस पे टैप करेंगे तो आपके जितने भी यहाँ पे आपने कैटेगरी क्रिएट की होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अभी अभी हमने जो कैटेगरी क्रिएट की थी यानी कि फोल्डर क्रिएट किया था माई पर्सनल के नाम से, इसी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मेल यहाँ पे मूव हो चुका है। चलिए फिर से 3 डॉट पे चलते हैं और जो हमारा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होता है माई पर्सनल का, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मेल हमने इसमें मूव कर दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर अपने कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स वगैरह को एक जगह पर रखना चाहते हैं ताकि आपको उनको सर्च करने में प्रॉब्लम ना आए, इस तरह से आप अपना कोई पर्सनल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और अपने सारे मेल्स को उसमें मूव करके रख सकते हैं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह से अपनी जीमेल आईडी में एक न्यू फोल्डर यानी कि न्यू कैटेगरी, न्यू लेवल को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।